कोरोना वायरस ने तेजी के साथ देश भर में अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की है। 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। इसके कारण रोज कमाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों पर सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मजबूर और लाचार लोग, जिनके पास अब रोज कमाकर खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए ये लॉकडाउन मुसीबत बन गया है। इस तरह के नागरिकों के लिए दीवा के कुछ लोगों ने आगे आते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए मदद पहुंचाने का काम किया है। जी हाँ, उत्तर भारतीय परिवार सियाराम युवा फाउंडेशन दीवा की तरफ से कोरोना जैसी महामारी से निपटने एवं कोरोना को हटाने के लिए ये कदम उठाया है। जो भी गरीब, लाचार और मजबूर तकलीफ में है, उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। अमोल केंद्रे, जिलाजीत तिवारी, दीपक दुबे, विपिन रॉय, राजेश सिंह, शमशेर यादव, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, यंगस्टर मित्र मंडल, पीयूष धाड़वे, आकेश पाटिल, विशाल भोसले, बंटी शिंदे आदि सभी के सहयोग से सियाराम युवा फाउंडेशन उत्तर भारतीय परिवार की तरफ से किया गया ये हर रोज 500 के करीब गरीब और लाचार लोगों को भोजन वितरित करते हैं। जो कोरोना का जो प्रादुर्भाव बढ़ा है, उसकी वजह से पूरा देश लॉकडाउन है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, दीवा सिटी में, दीवा सिटी में लॉकडाउन है। जहाँ सा मतलब जिन नागरिकों के घर पे खाना नहीं है, उनको खाना मिलेगा कैसा? ये जो भूखे नागरिक है, ये दो वक्त की रोटी कमाने के लिए रोज काम करने वाले इंसान थे, पर इनको काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इनको रोजगार नहीं है, तो इनको खाना कहाँ से मिलेगा? आज दीवा शहर में बहुत से ऐसे जगह है जहाँ खाना नहीं मिलता है। आज हम लोग गए थे साबे गांव डीजे कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे 4-5 दिन से उन लोगों ने कुछ नहीं खाया था। पिछले कुछ दिन से हम तो खाना बांट ही रहे हैं, पर हमें जो खाना बांट रहे हैं उसमें मेरे दोस्त हैं पीयूष, हमारा सियाराम मिश्रा युवा फाउंडेशन है, आकेश पाटिल है, यंगस्टर मित्र मंडल है, हमारे जो जिला जी तिवारी जी है, शमशेर यादव जी है, हमारे खूब बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो इसमें मुझे सहायता कर रहे हैं। मैं सहायता ये तो हम सब करें, ये तो हमारा कर्तव्य है, पर ये यहाँ के नगर सेवक का कर्तव्य नहीं है, क्या यहाँ के ठाणे महानगर पालिका का कर्तव्य नहीं है, क्या ये यहाँ के दीवा प्रभाग समिति का कर्तव्य नहीं है? दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त तो है मोरे साहब, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दीवा शहर के हर जगह भी जाए, वहाँ पे जिन जिन नागरिकों को खाने को नहीं है, उनको खाने का सामग्री आप महानगर पालिका से वितरित करें, और उसके बाद में जो जिन नागरिक जो रोड पे है, जो समझो भिखारी है, लावारिस है, कैसे भी है, जो रास्ते पे है, उनको रहने के लिए कुछ जगह थोड़ी सी दी जाए और उनका ख्याल रखा जाए। जहाँ जहाँ अभी डॉक्टर भी, बहुत सारे डॉक्टर दीवार में बनते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जो कोई गरीब इंसान जो रस्ते पे है, वो बीमार है, अगर तो उन बीमार इंसान को महानगर पालिका ने उनको दवाई देने, डॉक्टर पास लेके दवाई देनी चाहिए, ये सब करने में। इसके बावजूद मैं जो नगर सेवक है यहाँ के, उनसे एक विनती करता हूँ कि आप अपने हर एक वार्ड में आप जाकर खुद देखिए कि वह कौन सा इंसान भूखा है, क्योंकि आप लोग ऊपर नहीं हो। मुझे हक है, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, आपको हर इंसान का घर देखना है, हर एक कौन इंसान खाना खा रहा है, कौन इंसान भूखा है, कौन इंसान बीमार है, उसका सबका देखभाल करना आपको बहुत ज़रूरी है। आज जो इतनी भयंकर परिस्थिति बनी हुई है, इसमें मैं जो राजनीतिक पार्टी है, जितने राजनीतिक पार्टी है, उन सभी से निवेदन करता हूँ, जितने समाज सेवक है, जितने मंडल है, सबसे निवेदन करता हूँ कि सब आप एक दूसरे को सहायता कीजिए। और जो बिल्डर है, अगर एक बिल्डर है जिसने चाल बांधी है, उसने अगर अपने चाल में जो भूखा इंसान है उसको खाना खिलाया, जो बिल्डर ने बिल्डिंग बांधी है, वो बिल्डर अगर बिल्डिंग में कोई इंसान भूखा है तो उसको खाना खिलाया, तो ये भूखमरी नहीं रहेगी और सब इंसान आराम से रहेंगे, घर में ही रहेंगे, घर के बाहर नहीं निकलेंगे।
नागरिकों को पानी नहीं है, ना खाना मिल रहा है, तो नागरिक रस्ते पे आएंगे। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, लोक प्रतिनिधि सबसे विनती करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप सब नागरिकों को खाना दें।